एक तरफ है एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कार जो हर महीने 10,000 प्लस यूनिट सेल कर रही है एंड जिसने काफी अच्छा फैन बेस बना दिया है अपना इंडियन मार्केट में, एंड दूसरी तरफ है मारुति की लेटेस्ट लॉन्च जिसने एक नया ही सेगमेंट क्रिएट कर दिया है क्रॉसओवर सेगमेंट इंडियन मार्केट में। हम बात कर रहे हैं टाटा पंच एंड मारुति फ्रॉन्क्स की, एंड इन दोनों कारों के बीच हम हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस कार की तरफ जाया जाए। तो आज की वीडियो इन्हीं दोनों कारों की कंपैरिजन वीडियो है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सिंह एंड वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पंच एडवेंचर रिदम मॉडल को मारुति फ्रॉन्क सिग्मा मॉडल के साथ। सो बात करते हैं दोनों ही वेरिएंट की प्राइसिंग की। सो एडवेंचर रिदम वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 7.25 लाख, वहीं मारुति फ्रॉन्क का सिग्मा वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 7.46 लाख। सो दोनों ही वेरिएंट की प्राइसिंग में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस इस बात का ध्यान रखें कि सिग्मा मारुति फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल है एंड एडवेंचर रिदम पंच का सेकंड बेस मॉडल है। अब बात करते हैं दोनों कारों के इंजन स्पेसिफिकेशन की। टाटा पंच में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन देखने को मिलता है और वहीं मारुति फ्रॉन्क्स में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी इंजन देखने को मिलता है। टाटा पंच का 1.2 लीटर का इंजन प्रोड्यूस करता है 86.63 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क, एंड वहीं मारुति फ्रॉन्क्स का 1.2 लीटर इंजन प्रोड्यूस करता है 88.5 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क। टाटा पंच का कर्व वेट है 1000 to 1035 kg, वहीं मारुति फ्रॉन्क्स का कर्व वेट है 965 to 1060 kg। दोनों ही कार 37 लीटर फ्यूल कैपेसिटी एंड BS6 फेस 2 वेरिएंट के साथ आती है। बात करते हैं दोनों कारों के डायमेंशन की। तो टाटा पंच में आपको 3827 mm की लेंथ देखने को मिलती है, वहीं मारुति फ्रॉन्क्स में आपको 3995 mm की लेंथ देखने को मिलती है। तो लेंथ के मामले में फ्रॉन्क्स टाटा पंच से ज्यादा है। वहीं बात करें वेट की, तो टाटा पंच में आपको 1742 mm की विड्थ देखने को मिलती है एंड मारुति फ्रॉन्क्स में आपको 1765 mm की विड्थ देखने को मिलती है। तो विड्थ भी आपको मारुति फ्रॉन्क्स में ज्यादा ऑफर की जाती है। बात करें कार की हाइट की, तो टाटा पंच की हाइट 1615 mm है, वहीं मारुति फ्रॉन्क्स की हाइट 1550 mm है। सो हाइट के मामले में टाटा पंच मारुति फ्रॉन्क्स से थोड़ी ज्यादा टॉलर है, एंड वहीं बात की जाए दोनों कारों के व्हील बेस की, तो टाटा पंच में आपको 2445 mm का व्हील बेस मिलता है, वहीं मारुति फ्रॉन्क्स में आपको 2520 mm का व्हील बेस मिलता है। सो अगर बात की जाए स्पेस की, तो फ्रॉन्क्स में आपको ऑब्वियसली ज्यादा स्पेस फील होगा कंपेयर टू टाटा पंच, वहीं हाइट ज्यादा होने के कारण टाटा पंच में आपको ज्यादा हेडरूम मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों कारों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। तो दोनों ही कारों में आपको पावर स्टेयरिंग, पावर फ्रंट विंडो, पावर रेयर विंडो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, एक्सेसरी पावर आउटलेट, रियर सीट हेडरेस्ट, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे स्टैंडर्ड बेसिक फीचर्स मिलते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। सो बात की जाए दोनों कारों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कारों में आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, 2 एयरबैग्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर्स, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर्स, हैलोजन लैंप्स, रियर सीट बेल्ट्स, EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं पंच में आपको एडिशनल रियर कैमरा मिलता है जो कि आपको फ्रॉन्क्स के सिग्मा मॉडल में नहीं मिलता, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है जो कि आपको टाटा पंच के एडवेंचर मॉडल में नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोनों कारों में मिलने वाले प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करते हैं दोनों कारों के एडवांटेजेस की। टाटा पंच आती है एक स्टर्निंग लुक के साथ, देती है आपको हाई क्वालिटी कैबिन, ग्रेट इंटीरियर स्पेस एंड कम्फर्ट, राइड कम्फर्ट ओवर बैड रोड्स, माइल्ड ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी इस कार में आपको मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई ग्राउंड क्लियरेंस, और उसके साथ साथ ये कार आती है 5-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ। बात करें मारुति फ्रॉन्क्स के एडवांटेजेस की, तो मारुति फ्रॉन्क्स आती है बिल्कुल मस्कुलर स्टाइलिंग लुक के साथ, इसमें आपको मिलता है एक स्पेशियस एंड प्रैक्टिकल कैबिन, उसके साथ साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिलता है इसके दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ, साथ ही साथ इसमें आपको 9-इंच की टच स्क्रीन मिलती है विद क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल ऑप्शन के साथ। अब थोड़ा डिसएडवांटेजेस पे भी नजर डालते हैं एंड देखते हैं कुछ कॉन्स इन दोनों कारों के। तो बात करें टाटा पंच के कॉन्स की, तो इसका इंजन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अंडर पावर फील होगा हाईवे साइड पे, इसके साथ इसका टच स्क्रीन भी आपको थोड़ा आउटडेटेड लगेगा, इसके अलावा आपको हाईवे पे आर्मरेस्ट की भी कमी फील होगी इस कार में।
बात करें फ्रॉन्क्स के डिसएडवांटेजेस की, तो इसका स्लोपिंग रूफ लाइन डिजाइन कहीं ना कहीं इसके रियर सीट हेडरूम को कुछ कम कर देता है। इसके अलावा इस कार में सनरूफ, लेदराइज अपोस्ट्री जैसे फीचर्स मिसिंग है जो कार की प्रीमियमनेस को नहीं बढ़ा पाते। एंड एक और सबसे बड़ा नेगेटिव आप इसकी व्हील क्वालिटी को लेके कह सकते हो। वैसे तो इसकी एनकैप रेटिंग नहीं आई है, बट ये सेम बलेंडो के प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसकी एनकैप रेटिंग से भी। तो गाइज, आपको क्या लगता है कौन सी कार है आपके लिए बेटर डील, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।